ये हमारा एयरटेल का प्लान है। इसमें देखिए आप 499 से अगर रिचार्ज करते हो तो 3 GB डेटा पर डे के हिसाब से 28 दिन के लिए आपको मिलता है, जो कि एक साल तक डिज्नी प्लस हॉटस्टार जो है आप फ्री यूज़ कर सकते हो। प्लस जो है आपको 2 GB डेटा का कूपन भी मिलता है, जो कि आप माई थैंक्स एयरटेल ऐप से जो है आप अपना डेटा जो है रिचार्ज कर सकते हो, ठीक है। प्लस यहाँ पे देखिए 699 रुपये के रिचार्ज अगर आप करते हो तो 2 GB डेटा आपको डेली का मिलेगा, और साथ में जो है 56 दिन की उसकी वैलिडिटी रहेगी, जिसमें आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार जो है एक साल तक फ्री दिया जाएगा। प्लस यहाँ पे फ्री आपको 4 GB डेटा कूपन दिया जाएगा, और इसको भी जो है आप एयरटेल थैंक्स ऐप से जो है विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। साथ में जो है यहाँ पे एक साल का जो रिचार्ज होता है 365 दिन के लिए, वो 2798 रुपये का रिचार्ज है, मतलब कि 2798 रुपये का रिचार्ज है, जिसमें आपको एक साल तक जो है 2 GB डेटा मिलेगा, और साथ में 365 दिन के लिए जो है आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार प्लस जो है यहाँ पे आप फ्री अनलिमिटेड डेटा जो है यूज़ कर पाओगे 2 GB। ये एयरटेल का बहुत ही अच्छा प्लान है। अगर इससे भी अगर अच्छा प्लान आपको चाहिए तो आपको यहाँ पर जाना होगा जियो के पास। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा हमारा जियो का डैशबोर्ड। यहाँ पे आपको अगर रिचार्ज करेंगे 499 मतलब कि 499 रुपये से, तो इसमें भी जो है आपको 28 दिन तक जो है 3 GB डेटा मिलेगा, वो भी 28 दिन के लिए। प्लस जो है यहाँ पे आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार एक साल तक यूज़ कर सकते हो, और भी बहुत सारे यहाँ पे जियो के फैसिलिटीज़ वगैरह आते हैं, जिसके थ्रू जो है आप मूवीज़ और टीवी वगैरह भी जो है देख पाओगे। वहीं पे अगर आप एयरटेल के साथ जाओगे तो आप एयरटेल के साथ जो है ये इंजॉयमेंट यूज़ नहीं कर पाओगे। वहीं पर सेकेंड जो प्लान आता है वो यहाँ पर आता है 666 का, मतलब 666 रुपये का। वहीं पे अगर आप एयरटेल का रिचार्ज कराओगे तो आपको जो है लगभग 700 रुपये खर्चा करना पड़ेगा। वहीं पे जो है 40 से 35 रुपया या 36 रुपया अगर आपका बचता है, तो यहाँ पे आप जो है 666 वाले रिचार्ज के साथ जा सकते हो। जियो के ये रिचार्ज पे आपको 56 दिन तक जो है वैलिडिटी रहेगा, 2 GB पर डे के हिसाब से मिलेगा, प्लस एक साल तक आपको जो है डिज्नी प्लस हॉटस्टार फ्री रहेगा, और अदर जो सब्सक्रिप्शन वगैरह है जो भी जियो के फैसिलिटीज़ हैं वो आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे। थर्ड जो प्लान आता है वो भी एकदम सुपर वैल्यू प्लान है, जो कि 888 वाला प्लान आता है, जिसमें आपको 84 डेज़ के लिए मतलब कि 84 दिन के लिए 3 महीने के लिए आपको बिल्कुल अनलिमिटेड डाटा दिया जाएगा, वैलिडिटी रहेगा 84 दिन का। साथ में 2 GB प्लस 2 GB आपको डेटा आपको मिलेगा, 5 GB जो है इसमें एक्स्ट्रा मिल जाता है, और बाकी पहले जो मैंने आपको कहा था कि 499 वाला रिचार्ज में उसमें भी आपको 6 GB डेटा जो है आपको अलग से मिल जाता है, वो 3 GB को आप छोड़ दीजिए, 6 GB आपको अलग से मिलेगा, जो कि आप एज ए इंटरनेट की तरह यूज़ कर पाओगे, ठीक है। और ये जो 888 वाला जो रिचार्ज है ये बहुत ही अच्छा रिचार्ज है, और इससे अच्छा रिचार्ज आपको दूसरा देखने को नहीं मिलेगा, ये सुपर वैल्यू रिचार्ज है जियो का। वहीं पर अगर आप एक साल का रिचार्ज कराना चाहते हो जियो में, तो आपको देखिए यहाँ पे 2599 मतलब कि 2600 रुपये का आप रिचार्ज करोगे तो आपको 365 दिन तक एकदम फ्री मिलेगा, साथ में 2 GB डेटा पर डे के हिसाब से यूज़ कर पाओगे, और 10 GB डेटा जो है आपको अलग से दिया जाएगा, जो कि आप एज ए यूज़र्स की तरह जो है यूज़ कर पाओगे। प्लस डिज्नी प्लस हॉटस्टार जितने भी प्लान हैं उसमें आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार देखने को मिल ही जाएगा। प्लस जो है आप यहाँ पे जो भी जियो के जो अलग रिचार्ज करने पर आप जो भी सब्सक्रिप्शन वगैरह होता है वो आप फ्रीली यूज़ कर पाओगे जियो के प्लान में। अब इससे भी अगर वैल्यू प्लान अगर चाहिए तो मैं आपको यहाँ पे लेके जाना चाहूँगा वोडाफोन के पास। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये रहा हमारा वोडाफोन का प्लान, एकदम सबसे किफ़ायती सबसे अच्छा मुझे जो है यही प्लान लगता है। देखिए अभी अगर आपके पास वोडाफोन का अगर सिम नहीं है तो तुरंत जाइए रिटेल स्टोर और जल्दी से जो है वोडाफोन का कोई भी एक सिम परचेस कर लीजिए, अगर आपको अगर यहाँ पे डिज्नी प्लस हॉटस्टार में IPL अगर देखना है तो। यहाँ पे देखिए 501 रुपये में आपको 3 GB डेटा आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि 28 दिन के लिए रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको 500 रुपये ज़्यादा तो देखने को मिल रहा है, ज़्यादा लग रहा है, लेकिन वहीं पे अगर आप जियो या एयरटेल के साथ जाओगे तो वो भी 500 रुपये ही होता है, 499 रुपये। तो आपको सिर्फ यहाँ पे 501 रुपये देख के आपकी आँखों में ऐसा लग रहा होगा कि ये रिचार्ज जो है ज़्यादा महंगा है, लेकिन एक्चुअली में सिर्फ 2 ही रुपये जो है यहाँ पे महंगा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अलग से मतलब कि सोचना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे 500 दिख रहा है, वहाँ पे 499, तो ये आपको थोड़ा सा अलग लग रहा होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए आपको 3 GB पर डे के हिसाब से डाटा मिलेगा, प्लस आपको 16 GB डेटा जो है एक्स्ट्रा यूज़ करने को मिलेगा। वहीं पे अगर यहाँ पे 701 रुपये में अगर आप जाते हो तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी आपको 3 GB डेटा पर डे के हिसाब से मिल रहा है। वहीं पे अगर जियो या एयरटेल के साथ अगर आप जाते हो तो आपको 56 दिन वाले
में यहाँ पे देखिए 700 रुपये में वाले प्लान में, 56 दिन वाले प्लान में आपको यहाँ पे देखिए 2 GB पर डे के हिसाब से डाटा मिल रहा है। वहीं पे अगर आप वोडाफोन के साथ अगर जाते हो तो यहाँ पे देखिए 701 रुपये में आपको 3 GB डेटा पर डे के हिसाब से मिल रहा है। तो कहाँ पर आपको फ़ायदा है, ज़रूर आपको जो है यहाँ पे 701 वाले रिचार्ज, वोडाफोन वाले रिचार्ज में फ़ायदा है, क्योंकि वहाँ पे 2 GB पर डे के हिसाब से मिल रहा है। वहीं पे यहाँ पे आपको 3 GB पर डे के हिसाब से मिल रहा है, और प्लस आपको 32 GB डेटा जो है एक्स्ट्रा यूज़ करने के लिए दिया जाएगा। वहीं पे अगर हम रिचार्ज करते हैं यहाँ पे 84 दिन वाला, मतलब कि 901 रुपये वाला, तो यहाँ पे भी आपको 3 GB डेटा पर डे के हिसाब से मिलेगा, प्लस यहाँ पे 48 GB डेटा जो है आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा, जो कि आप एज ए वोडाफोन यूज़र जो है यूज़ कर पाओगे। 84 डेज़ का इसका जो है वैलिडिटी रहेगा। वहीं पे अगर आप जियो के साथ जाओगे तो जियो के यहाँ पे देखिए आपको 888 वाला यहाँ पे लिखिए, भले ही यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा क्या लगभग जो है 900 रुपये का ही है, लेकिन यहाँ पे आपको 2 GB डेटा पर डे के हिसाब से मिल रहा है। वहीं पे अगर आप वोडाफोन के साथ जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको 901 रुपये में 3 GB डेटा पर डे के हिसाब से मिलेगा। वहीं पे अगर हम यहाँ पे तीसरे वाले प्लान पे अगर जाए वोडाफोन का, तो ये आपके लिए उतना अच्छा और फ़ायदेमंद साबित नहीं होता है, क्योंकि ये जो है 2575 रुपये में आपको 1.5 GB पर डे के हिसाब से 365 दिन के लिए मिल रहा है। और ये जितने भी मैंने ऑफर्स बताए सब में जो है डिज्नी प्लस हॉटस्टार जो है इंक्लूडेड है, ठीक है। तो यहाँ पे 2500 वाले प्लान में देखिए यहाँ पे इसमें जो है आपको बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है। देखिए यहाँ पे 2500 वाले प्लान में आपको जियो में 2 GB डेटा पर डे के हिसाब से मिल रहा है, वहीं पे आपको एयरटेल में भी देखिए 2700, ये तो 2800 रुपये में जो है 2 GB पर डे के हिसाब से मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे अच्छा और सबसे सस्ता जो मुझे लग रहा है प्लान, वो यहाँ पे आपको मिलेगा वोडाफोन में। अभी वोडाफोन के जो यूज़र्स हैं वो भी कम है, तो आपका जो इंटरनेट स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा जो है अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि एयरटेल वाले जो यूज़र्स हैं और जियो वाले यूज़र्स हैं वो इंडिया में इतने ज़्यादा हो गए हैं कि वो जो है यूज़र्स को जो है अच्छी तरीके से जो है इंटरनेट स्पीड जो है प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो है आप वोडाफोन एज ए यूज़र्स के साथ वोडाफोन के सिम लीजिए, खरीदिए, और आपका जो, और यहाँ पे देखिए 12 AM से लेकर 6 AM तक अनलिमिटेड डाटा, मतलब कि 12 बजे से 6 बजे रात तक, रात को देखिए 12 बजे से 6 बजे तक आप जो है अनलिमिटेड डाटा यूज़ कर पाओगे विदाउट एनी रोक टोक, विदाउट किसी चीज़ के, ठीक है। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा ऑप्शन है, आप मेरे हिसाब से तो यही डाटा यूज़ कीजिए, ये बहुत ही बेस्ट है। बाकी आप क्या सोचते हो, ऐसे वीडियोज़ और भी फ़ायदेमंद वीडियोस अगर देखना चाहते हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। गुड लक।